दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को पूरा देखें, सोचें, समझें, उससे पहले इसको शेयर भी कर दें। बहुत ही जरूरी वीडियो है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब से हम लोग और हमारी पूरी टीम मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग होते हैं, मंदबुद्धि लोग होते हैं, जो किसी कारणवश उनके परिवार के लोग उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं और स्थितियां ज्यादा खराब होने के कारण उनको घरों के बाहर पेड़ों से लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, फिर हमारे पास सूचना आती है और ऐसे लोग हम लोग इलाज करवाते हैं। जैसे कल एक महिला का हम लोग गए, वहां बीड़ा उठाया और उसका इलाज करवाया। तो अब तक हमने करीब करीब 50 से अधिक ऐसे लोग जो किसी कारणवश मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और उसके बाद घरों के आगे लोहे की जंजीरों से पेड़ से बंधे हुए थे और किसी न किसी माध्यम से हमारे पास सूचना पहुंची और फिर हम वहां तक पहुंचे। मैंने जब भी ये खबर चलाई उसके बाद कई लोगों के फोन आते हैं कि यार हमारे गांव में भी एक ऐसा है, वो कहते हैं हमारे गांव में 2 ऐसे हैं या हमारे पास में ऐसे हैं, हम वहां ये ऐसे हैं, उनका इलाज करवाना है। मुझे ये जानकर बड़ा अचंभा होता है कि आज के इस जमाने में भी, तमाम दावों के बीच भी, ऐसे लोग आज भी हैं जो कहीं ना कहीं लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। जरूरत है इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके उनका प्रॉपर इलाज करवाना, और सिर्फ यहां पर एक कमी रह जाती है, वो है जागरूकता की। जागरूकता की कमी के कारण लोग उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। कई प्रकार की बातें मन में सोचते हैं कि इनका इलाज करवाएंगे तो इतना पैसा लगेगा, अब यहां वहां कौन करता है, किससे जाके संपर्क करें, कौन सी गाड़ी आएगी, किस अस्पताल में जाना है। बस यही कमी है, इस कमी के कारण लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। और कई बार हमें फोन करते तो हम भी उन्हें कहते हैं कि ऐसे लोगों का इलाज संभव है, आप उनको ले जाइए, हमें फोन करें, हम आए, वीडियो बनाएं। इससे अच्छा है कि आप सब लोग भी अपने आसपास अपने परिवार के लोग हैं तो उनको ले जा सकते हैं। आज मेरे साथ श्योर संस्था के और यहाँ पर जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सत्य साई मूक बधिर विद्यालय चलता है, विबंधित जो लोग होते हैं उनका पुनर्वास पुनर्ग्रह यहाँ पर जो है उनको चलाने वाले प्रबंधक या कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा जी मेरे साथ हैं। और अनिल शर्मा जी से मैं जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या करें अगर ऐसा कोई मानसिक विकसित आपको कहीं दिखे, जो आपके आसपास है, आपका पड़ोसी है, आपके परिवार का कोई है या आपके गांव में है, तो उनको कैसे, कहां पहुंचाना है, कहां पर इलाज होगा, उसके बाद अगर इलाज नहीं भी होगा तो उनको कहां पर रखा जाता है ताकि वहां पर उसका पूरा केयर करें, ध्यान रखें। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे एक फोन पर आप यहां पर आ गए और हमारे दर्शकों को जानकारी ये देनी है कि अगर कहीं पर मानसिक विक्षिप्त रोग हैं, लोग हैं, तो उनको कैसे संपर्क करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। धन्यवाद अशोक जी, आपने जिस मुहिम को बाड़मेर में चलाया है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बेहद अच्छा अनुभव हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे एक साथी नए जुड़े। मैं बाड़मेर में पिछले 22 साल से इसी काम को मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। और मैंने बहुत सारे लोगों के बीच काम किया है, मैंने बहुत लोगों के बीच रहा हूँ, मैंने बहुत सारी केस स्टडियाँ देखी है, बहुत लोगों को अच्छे होते हुए देखा है, लेकिन कहीं कहीं उनका परिवार का जो है उसमें इंटरफेयर होना बहुत आवश्यक होता जी। अब मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपके चैनल को, ये चाहूँगा कि आप जब मेरे विद्यालय को अगर आप नेट पे सर्च करते हैं वहाँ मेरा नंबर मिल सकता है आपको आसानी से। हाँ। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर। अच्छा, आपसे संपर्क कर लें बाड़मेर से कोई है तो। आप बाड़मेर से अगर कोई है तो आप डायरेक्ट संपर्क करें। अच्छा, आपके नंबर अगर कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं हो तो हमारे तो मैं सीधा आपका नंबर दे सकता हूँ। मेरा नंबर 9414-1438-3867 9414-1438-3867 9414-383-8367 ये सर के नंबर हैं जी। बिल्कुल, आप अगर दिन में किसी समय आप कॉल करें और पूरी जो परिस्थिति बताएं किस परिस्थिति में है, तो हम लोग उसके बारे में विचार करके अगर उसका इलाज संभव है तो राजकीय संरक्षण प्राप्त जहां भी अस्पताल है या फिर मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना जहां चल रही है राजस्थान में, बाड़मेर में अभी शुरू नहीं हो पाई है पुनर्वास केंद्र, लेकिन बाकी सभी जगह तो हम उनको वहां भेजने की कोशिश करेंगे, उनका इलाज कराएंगे और उनको बेहतर जिंदगी, सामान्य जीवन की कैसे बढ़े ये प्रयास कराया जाएगा उनको। अच्छा, यही प्रयास करेंगे। अगर संभव हुआ अगर बाड़मेर में लाने के लिए तो हम बाड़मेर के अंदर उनको रख सकते हैं, उनके लिए भोजन, उनके लिए आवास, उनके अच्छा, लिए ऐसा मेडिकल। अगर कोई आनुवांशिक होता है, जैसे जन्म से ही कोई मानसिक विक्षिप्त होते हैं, उनका इलाज हो सकता है, परिवार के लोगों ने कई जगह ट्राई भी की होगी,
लेकिन अब वो चाहते भी हैं कि यार कहीं ऐसे पुनर्वास गृह पर रखें, तो वो संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सभी जिलों में अभी बड़ी क्षमता के साथ प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंदर 100-200 की क्षमता है। जामडोली जयपुर में हमारा सबसे बड़ा है, उसके बाद भी सभी जिला मुख्यालय पे हैं। तो हम कोशिश करेंगे आदमी को देखने के बाद हम रख सकते हैं, हमारे जिला मुख्यालय में भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा होता है जैसे कल का एक केस था कि कोई सदमा लग जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद लोग हो जाते मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, फिर उनके लिए क्या होता है सर? के लिए देखो, सबसे पहले तो एक ट्रीटमेंट आवश्यक होता है, साइकोलॉजिस्ट से चेक करवाना आवश्यक है कि वो किस कारण है, और उसके बाद उनकी समझ के अनुसार, चिकित्सक की समझ के अनुसार दवाई प्रारंभ की जाए, और दवाई से धीरे धीरे बकायदा फर्क आता है। और हमने कई केस में देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चे बाड़मेर में जो गुमशुदा बच्चे आते हैं, लंबी दूरी की जो गाड़ियां यहाँ चलती है उसकी वजह से, लास्ट स्टेशन होने की वजह से बच्चे रुकते हैं। उसके बाद मैंने अभी तक 16 बच्चों को भी घर पहुँचाया, और मैं आपसे भी अभी बड़ी मदद लूंगा, क्यों अभी ऐसे और बच्चे हैं जहाँ मेरा अप्रोच मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हम करेंगे और उन घर तक पहुँचाएंगे, ये हम वादा करते हैं। ये जो सुकून है अशोक जी, ये दिल में आप मानेंगे नहीं, बहुत बड़ी खुशी होती है, आंखों में आंसू आते हैं जब हम किसी बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, मुझे एक और बात जाननी है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार हमारे पास ये व्यक्ति तो ऐसा है, या महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी है, अब वो सोचते हैं उनके पास ऐसी स्थिति, आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं होते कि वो एम्बुलेंस मंगाए, गाड़ी मंगवाए और उनको वहाँ आप तक ले आए या किसी अस्पताल तक, अस्पताल ले जाए, तो ऐसे में कोई एम्बुलेंस ऐसी कोई व्यवस्था होती है? इसकी एम्बुलेंस अप्रोच कर सकते हैं अपन, अगर अगर वहाँ से कॉल आता है, अगर दिक्कत होती है तो बहुत सारी एम्बुलेंस है, कोई सा ऐसे लोकल भामाशाह भी है, वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बाड़मेर में कई ऐसे भामाशाह है जिनका मैंने व्यक्तिगत उपयोग किया भी है, तो अगर पहले से पता हो तो हम उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज है जिनको आपने कहा कि भी उसको भर्ती करवाना पड़ता, कई केसों में हम लोग देखते हैं कि जोधपुर के एमडीएम में भर्ती करवाते हैं, उसका एक अलग डिपार्टमेंट भी है, बिल्कुल तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ बाड़मेर लाने के बाद उनको रेफर किया जाता है? हाँ, बाड़मेर लाने के बाद देख लेंगे, अगर बाड़मेर में स्थिति सामान्य है तो अपन बाड़मेर की बात इसलिए करें कि बाड़मेर का उदाहरण आप दूसरे जिलों के साथ भी ले सकते हैं, मेरे पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब बाड़मेर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप बीकानेर के हैं, नागौर के हैं, झुंझुनू के हैं, कोटा के, तो आपके आसपास जो बड़ा संभाग लगा या बड़ा जहाँ पर ये ग्रह होगा वहाँ पर आप ले जा सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया सभी जगह समान रूप से संचालित हो रही है, तो अगर कहीं भी जिला मुख्यालय पे है तो पहले वहाँ संपर्क करने के बाद में तय किया जाता है कि उसकी किस तरह की अवसाद स्थिति है, उसकी अवसाद स्थिति जो है उसकी प्रकृति के अनुसार आगे रेफर करने के लिए बात की जाती है, तो पहले इसको एक बार तो वहीं टेस्ट किया जाता है कि इसको आगे भेजना कि नहीं भेजना है। अच्छा, जब वहाँ उसको हायर सेंटर में उनको रेफर किया जाता है, तब क्या उनके परिवार के लोग भी उनके साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं, एक आदमी उनके साथ रह सकता है। तो उनके पैसे वैसे लगते हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल कहीं पैसे नहीं लगते। और जो साथ में रहता है उनके खाने पीने की व्यवस्था? सब व्यवस्था होती है, कई ऐसे आश्रम चलते हैं बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था होती है, जो साथ में उनके भी खाने की व्यवस्था वो करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था होती है। अगर जल्दी ठीक हो जाते फिर उनको डिस्चार्ज घर भेज दिया जाता है, बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हैं, ऐसे कई अनेकों केस ऐसे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अमूमन ये मैं देख रहा हूँ कि लोग उनके जो मानसिक विक्षिप्त होने की वजह से कई बार घृणा करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो आदमी तन के अवश्य गंदे हैं लेकिन मन के कतई गंदे नहीं है वो लोग, तो उनसे घृणा नहीं करें, उनको समझें और वो इस स्थिति तक क्यों पहुंचे हैं वहां तक हमें जरूर पहुंचना चाहिए, और ऐसे लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए ताकि जितनी हम जल्दी मदद कर पाएंगे उतना ही उनको जल्दी स्वस्थ कर पाएंगे। अच्छा सर, और क्या डिपार्टमेंट है अगर आपसे संपर्क हो जाता है या कभी नहीं हुए तो फिर और क्या करें लोग? समाज कल्याण विभाग है, डायरेक्ट किससे जुड़े? समाज कल्याण विभाग है, इसके लिए पूर्णतः समाज जो व्यक्ति परिवार के लोग हैं समाज कल्याण विभाग जाकर के मिले अधिकारियों से कि भी हमारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है उनको इलाज करवाना है, फिर वो क्या करते हैं व्यवस्था सर? उसके लिए वो संबंधित वो भी देखते हैं, उसके बाद जोधपुर में है, जोधपुर में अपना घर है वगैरह है तो वहाँ जाके वो व्यवस्था देखते हैं, बाद में चिकित्सा विभाग है वो उनकी टीम देखती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं जिला प्रशासन से मैं निवेदन इस आपके माध्यम से करूंगा कि सब पहले तो लोगों का चिन्हीकरण करवा जाए। वेरी गुड। हमने एक अभियान चलाया था, बाड़मेर के तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर थे सुरेंद्र पुरोहित जी, उन्होंने एक आदेश भी निकाला था, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी पूछेंगे जवाब अधिकारियों से, सरकार से, कि भाई क्यों ऐसा, कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं, कई दावे किए जाते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन असल में है नहीं ऐसा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा है कि उसका इलाज हम लोग कैसे करें, हम दूसरों पर बात करें उससे अच्छा ये कि हम लोग अगर संभव है हमसे कुछ करने के तो हम लोग कर लेना, क्यों दूसरों को कहें, उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर ये तरीका है ये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल जी आपको, मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि आपने जो मुहिम चलाई थी
उस मुहिम के बाद मैं श्रीमान सुरेंद्र जी से निवेदन व्यक्तिगत मिला भी था, मैंने कहा साहब हम वोट के लिए जब वोटों की लिस्टिंग कर सकते हैं तो इनकी करें तो मेरी टीम लगा सकता हूँ उसके। अच्छा, वेरी गुड। मैंने ये भी निवेदन किया था लेकिन बहुत संयोग ऐसा रहा कि वो ट्रांसफर होकर वाकई में बिल्कुल मैंने कहा था मैं मेरी टीम लगूंगा जिससे हम तुरंत देख सके कि ये विक्षिप्त है कि नहीं, इनको क्या इलाज चाहिए, हम लोग आपकी निश्चित मदद करें। बिल्कुल, आप जैसे लोगों की इस समाज को आज के इस युग को बहुत जरूरत है क्योंकि आज लोग इस होड़ की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे कौन क्या कहाँ आसपास क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, लोग जो पीछे रह रहे हैं वो पीछे ही रह रहे हैं, गरीब लोग हैं उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हम लगातार ये प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल जी को, पूरी जानकारी दी है। तो एक बार पुनः मैं अनिल जी के नंबर आपको बताना चाहूँगा, 9414-3838-67 इनके नंबर हैं। अगर आपके आसपास कहीं मानसिक विक्षिप्त दिखें बाड़मेर में तो इनसे संपर्क करें, या अन्य जिलों में हैं तो आप जिला मुख्यालय पर जाकर के किसी को पूछिएगा कि समाज कल्याण विभाग कहाँ है, वहां पर जाकर के उनके अधिकारियों से मिलिए और उनको कहिए कि ये मामला है। फिर अगर आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो वहां के स्थानीय मीडिया से संपर्क कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। धन्यवाद।